राधा रानी कह रही हैं कि मैं गोलोक धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे 84 कोस को एक गोलोक धाम या हम 84 कोस बोले कहें वो स्थान बनायो। ये बारिश के निशान है, इंद्र ने जब 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की तो ये उसके निशान बने हुए हैं। तो उन्होंने सोचा ऐसा सिस्टम बढ़िया है, बरसात पड़ेगी तो कंदरा बन जाएगा, धूप पड़ेगी तो कंदरा बन जाएगा, रोटी पानी की किंगो तो रोटी पानी बना के दे देगो, और मुझे थकान महसूस हुई तो मेरे चरण वरण भी दाब दे करेगो, या तो बढ़िया चेला मुझे काम मिलेगा। यहाँ की ऐसी मान्यता है जो कोई भी इसमें मन ही मन में मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी होती है तो तुम पत्थर दे लो, तो एक रूप बना गिरिराज जी के स्वरूप में जो ठाकुर जी का ये है हृदय। अच्छा। और दूसरा जो बना के तुम पत्थर ही हो जाओ तो वो बन गए सालग्राम स्वरूप। जब ठाकुर जी छोटी अवस्था के थे तो यहाँ पे गिरिराज जी के ऊपर गैया चलाने आते, तो उस समय को ये पैर को निशान है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रश दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज जो आपको लेकर आया है वो श्री गोवर्धन पर्वत की इस श्रृंखला पे लेकर आया है जो कि हमारे साक्षात देवता माने गए हैं ब्रज में। आप जो दर्शन कर रहे हैं इस समय श्री गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, उस गिरिराज पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। और जब हम और आप गिरिराज जी के इस पर्वत पर खड़े हुए हैं तो हमारा भाव है कि आप भी इस भाव से जुड़ें और घर बैठे ही आप उस मानसिक रूप से इस गोवर्धन नाथ के आप दर्शन करें और उसको भाव में लाएँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जो परिक्रमा ब्रजवासी किया करते थे वो आप देख सकते हैं, ये कच्ची परिक्रमा है और इसी गिरिराज जी के तलैटी के नीचे नीचे होकर सभी ब्रजवासी यहाँ पर परिक्रमा किया करते थे। लेकिन आज इससे दूर हटके एक रोड बना दिया गया है प्रॉपर सुविधाओं के साथ में, जहाँ पर कि आज श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की जाती है। और मैं और आप जब गिरिराज जी के इस पर्वत पर हैं तो उस भाव को हम जीते हैं और गाते हैं क्या, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। तो इस भाव से आज हम श्री गिरिराज पर्वत पर चल रहे हैं और मेरे यहाँ आने का उद्देश्य और आपको लाने का उद्देश्य है साख्य। वो साख्य जब इंद्र का मान भंग किया हमारे भगवान ने, और उस इंद्र के आने के संकेत भी हैं यहाँ पर। द्वापर काल में जब इंद्र ने भगवान से पंगा लिया, ब्रजवासियों से पंगा लिया, तो उनका कैसे मान भंग किया उसके साख्य हैं, संकेत हैं इस पर्वत श्रृंखला पे, इस गिरिराज पर्वत पे। जो कि आप जानते हैं कि इंद्र का जो वाहन होता था ऐरावत हाथी, उस ऐरावत हाथी के यहाँ कुछ साक्ष्य हैं। और यहाँ पर उसके अलावा भी कई ऐसे दर्शन हैं, जब आप उसको दर्शनों को करेंगे आपका वास्तव में मन होगा कि आज भी यहाँ पर जीवंत हैं हमारे ठाकुर जी इस गिरिराज स्वरूप पर्वत पे। आप देख सकते हैं हम धीरे धीरे बिल्कुल उस ऊँचाई पर आ गए हैं गिरिराज पर्वत के, और आप देख सकते हैं चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है हमारे। ये देखिए, बोलो गिरिराज महाराज की जय। एक परिक्रमा इधर है कच्ची, वो परिक्रमा चल रही है आप देख सकते हैं बड़ी वाली। और ऐसे करते हुए जतिप्राग इसे 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 21 किलोमीटर के पहाड़ के चारों तरफ की परिक्रमा को गिरिराजी पर्वत बोलते हैं हम। और गिरिराज परिक्रमा इस, आइए आपको लेके चलता हूँ मैं उस स्थान तक, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर कि ऐरावत हाथी आया, इंद्र आया और कैसे मान भंग हुआ, कैसे इंद्र का मान भंग किया भगवान श्री कृष्ण ने। आइए, जब हम और आप श्री गिरिराज जी के इस पर्वत पर खड़े हुए हैं तो इस समय मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में एक ऐसे ब्रजवासी हैं जो कि दिन और रात इन्हीं पर्वतों के बीच में रहते हैं। हमारे साथ भैया हैं हमारे जो कि इसी स्थान पर रहते हैं। भैया आपका सब नाम क्या है? राहुल कौशिक। राहुल कौशिक जी आप रहते हैं, आप यहीं रहते हुए, तो राहुल कौशिक जी हमारे साथ में है जो कि यहाँ पर ही रहते हैं और इन्हीं से जानेंगे कि वो साक्ष्य क्या है द्वापर काल के जो आज भी प्रमाण देता है कि हमारे यहाँ नित्य ठाकुर जी यहाँ वास करते हैं।
तो क्या क्या दर्शन कराएंगे प्रभु जी आप हमें? यहाँ पे ठाकुर जी की फिसलनी सलाह है, ठाकुर जी के चरण को निशान है, गाय के पैर को निशान है, गाय के बछड़े के पैर को निशान है, हनुमान जी हैं, हनुमान जी के उड़ते हुए की परछाई है, दूध दही माखन कटोरी है, और गोपेश्वर महादेव हैं, ठाकुर जी के कान को निशान है, बलदाऊ जी को हाथ है, बरसात के निशान है, और श्याम मरण घोड़े के पैर को निशान है, और ऐरावत हाथी के आप देख सकते हैं कितने साक्षी या प्रमाण के तौर पर भैया जी अपनी यात्रा शुरू करें और हमारे सभी दर्शकों को वो आनंद दें जिसके लिए आज हम आपको लेकर आए श्री गिरिराज जी। ये ठाकुर जी की फिसलनी सलाह है। अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हैं ये फिसलनी सलाह है जिसपे की फिसलते हैं लोग इस पे है। हाँ, ये बहुत चिकनी है। ये तो ये ठाकुर जी की फिसलनी सलाह है। एक बार ये भयो कि ठाकुर जी आज गए गोपियों के और सखाओं के साथ में आंख में चौली खेल ले, राधा रानी ने डक्का दे दिया और ठाकुर जी आज गए फिसल गए। अच्छा, तो ऐसे करके आज गए ठाकुर जी फिसल गए तो सभी बाल बाल हंसने लगे और ये पकड़ के खड़े हुए तो आज के उंगलियों के निशान बने हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फिसलनी सलाह पर बैठा हुआ हूँ और फिसलनी सलाह तो हम बचपन में बड़े फिसलते थे लेकिन आज हम गिरिराज पर्वत पे फिसलनी सलाह का आनंद ले रहे हैं जो कि कभी हमारे ठाकुर जी लिया करते थे। तो इसके बाद प्रभु जी फिसलनी सलाह के बाद आओ चलिए। गिरिराज जी हिमालय पर्वत के सातवें नंबर के पुत्र हैं। अच्छा। द्रोणागिरी के। अच्छा अच्छा। तो इनको नाम गिरिराज है। अच्छा। ठीक है, तो हनुमान वो रावण के जो दादाजी हैं पुलस्त जी, मुनि पुलस्त जी के मनवाए जोर बिना कर तुम कुलाए, लिखी ब्रज भूमि यहीं ठहराए। तो गिरिराज बाबा को मुनि पुलस्त जी ही लेके आए, तो वहाँ पे वो गए तो गिरिराज जी को पहले क्या है कि पर्वतों के भी पंख पैर हाथ पांव इनको निजच्छा रूप वरदान प्राप्त हुआ था। हुआ ऐसा कि एक बार जो शंखचूड नहीं था उसका वध ठाकुर जी ने धोखे से करवाया था, यानी कि तुलसी के साथ में ठाकुर जी ने शयन किया तो जैसे ही देखा उसने तुलसी ने कि ये तो मेरा पति नहीं है, तो मेरा पति कहाँ है। इतने में ही दोबारा जो जय गौर हुआ कि शंखचूड़ युद्ध में मारा गया है, क्योंकि शंखचूड़ और जो जालंधर है वो युद्ध में हार नहीं रहा था। अच्छा। तो विष्णु भगवान ने शंखचूड़ यानी जालंधर का रूप बना के और तुलसी माँ के पास में शयन किया जिसकी वजह से वो मर गया। तो तुलसी माता कहने लगी तुमको अपने भक्त को मरवाते हुए नेक भी दया नहीं आई, तुम पत्थर दे लो। तो एक रूप बना गिरिराज जी के स्वरूप में जो ठाकुर जी का ये है हृदय। अच्छा। और दूसरा जो बना के तुम पत्थर ही हो जाओ तो वो बन गए सालग्राम स्वरूप। अच्छा। तो कहते हैं ये ठाकुर जी का हृदय है जो गिरिराज जी आपको दिख रहा है ये हृदय है। तो मुनि पुलस्त जी वहाँ पे गए तो मुनि पुलस्त जी की गिरिराज जी ने बहुत सेवा की, तो उन्होंने सोचा ऐसा शिष्य मुझे बढ़िया है, बरसात पड़ेगी तो कंदरा बन जाएगो, धूप पड़ेगी तो कंदरा बन जाएगो, रोटी पानी की किंगो तो रोटी पानी बना के दे देगो, और मुझे थकान महसूस हुई तो मेरे चरण वरण भी दाब दे करेगो, या तो बढ़िया चेला मुझे काम लेगो। अच्छा। तो पुलस्त जी के मन में आ गई, पुलस्त जी ने द्रोणागिरी से कही तो द्रोणागिरी कहने लगे कि भाई ऐसा हो जाए भोजन करानो हो भाई ते पूछी जाए, हाँ भाई तू मेरे यहाँ आज भोजन कर लेगो के ना करेगो, भाई मैं कैसे बताऊँ फलानो भोजन करेगो के ना करेगो। तो इनने कही ठीक है, गिरिराज जी के पास में आए तो गिरिराज जी ने कहो कि भाई तुमने मेरे अभी नॉर्मल स्वरूप देखो है, तुम मेरे पूरे विकराल रूप है देखो, आठ योजन ये लंबे थे, चार योजन ये चौड़े और दो योजन ये ऊंचे थे। हाँ, तो उनका जब स्वरूप देखा तो वो कहने लगे कि आपको एक स्वरूप सालग्राम और है, वह सालग्राम स्वरूप में आप आ जाओ। तो इनने कही कि मैं आ तो जाऊँगा पर मेरी एक शर्त है। मैंने पूछी क्या, आप जिस कहीं जहाँ कहीं पर भी मेरे को रख दोगे मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। अच्छा। तो गिरिराज जी ने शर्त मान ली, पुलस्त जी ने, गिरिराज जी उनके साथ में चल दिए। धीरे 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 आ रहे थे तो गिरिराज जी को स्मरण हुआ कि राधा रानी ने मेरे से वरदान मांगा था कि मैं आपके पास में आपके ऊपर लीलाएं विचरण करूँगी। जब द्वापर युग था वो त्रेता युग था, तो त्रेता युग में जब समुद्र सेतु बन रहा, समुद्र सेतु के समय पर हनुमान जी गिरिराज जी को उठा के लेके जा रहे थे, तो राम जी का आदेश आया जो जहाँ पे है वहीं पर रुक जाए। तो गिरिराज जी ने कही कि प्रभु मैं तो ठाकुर जी के चरण रज के काजे जा रहा हूँ, तुम मुझे बीच बीच कहाँ छोड़ के जा रहे हो। तो हनुमान जी ने जैसे ही रामचंद्र जी के पास में ये संदेश पहुँचाया हो तो यह संदेश सुनते ही
राम जी ने कहा है कि मैं द्वापर युग में आऊंगा और आके यहीं पे ही लीला करूंगा। अच्छा, तो एक लीला यहाँ की ये बने, एक दूसरी ये इस प्रकार है कि राधा रानी कह रही हैं कि मैं गोलोक धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने यहाँ पे 84 कोस को एक गोलोक धाम, या हम 84 कोस बोले कहें, वो स्थान बनायो। इसीलिए इस स्थान में गौ और लोक, गौ माने गाय और लोक माने निवास, जिस जगह गौ निवास करती हैं उसको गोलोक धाम बोलते हैं। जिस जगह राधा रानी के साथ में कृष्ण भगवान रहते हैं उसको गोलोक धाम, और वैकुंठ वो होता है जिसमें लक्ष्मी जी ठाकुर जी के चरण शेष सैया पर दबा रही होती हैं उसको वैकुंठ धाम बोलते हैं। खीर सागर, सागर में लेटे हुए विष्णु भगवान होते हैं शेष सैया पर अकेले, जिसमें उनकी नाभि से ब्रह्म कमल पे ब्रह्मा जी बैठे हुए होते हैं सहस्त्रों कमल के मुख पे। तो हनुमान जी की यहाँ पे परछाइयाँ देखो, ये देखिए उस हनुमान जी की परछाई, ये उसी जो आप लीला बता रहे हैं उसी की, ये हनुमान जी की परछाइयाँ आप देख सकते हैं। यानी भक्त बलवंत लाल जी का भी यहाँ स्वरूप के दर्शन होते हैं, जनेऊ पहनाया हुआ है। और आ जाओ देखो, ये पर्वतों के वो साक्षी है जो प्रमाणित करता है कि ब्रज में ठाकुर जी थे। इसके बाद पुलस्त जी ने जयश्री गिरिराज जी को ये ज्ञात हुआ कि यहाँ पर ठाकुर जी की नित्य लीला स्थली होने वाली है, मेरे को वरदान लगो भयो है, तो वो इस जगह ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे माँ सरस्वती से। जब माँ सरस्वती ने उनकी मति फेरी है और जब उनकी मति फिर गई है पुलस्त जी की, तो उनको लघु और दीर्घ लग गया है। उन्होंने एक ग्वारिया के रूप में ग्वारिया को दे गए स्वरूप है। तो वो ग्वारिया क्या है, उसने थोड़ी बहुत इंतजार करो, पहले के ऋषि मुनि ऐसे थे कि वे संध्या करने के बाद में ही वापस स्नान जैसे लघु शंका इत्यादि गए, तो वो संध्या वगैरह करके बाकी बाद में काम करते। तो ऐसा ही हुआ, वे जब संध्या वगैरह लौट के आए ने स्नान विस्नान से सबते निवृत्त है कहें, तो मैंने देखी कि गिरिराज बाबा पूरा फैल हो गयो। तब मैंने कहे चौरे तेने बू ब्रजवासी बालक कांडवा के मार दियो, कहाँ दाब दियो, कहाँ है बू नकारवाए जिंदो करवाए। बाद ने कही कि क्या नाम है प्रभु, वो तो मुझे रख के ना चले गए हो, ऐसा बता में कि वो साक्षात ठाकुर जी ही थे। अच्छा हाँ, तो वो ग्वारिया तो नो कह के चले गो बाबा कि मैं काले खड़ो रहूँगो, मेरी तो गैया माँ गई माँ पहुँची। मैं कह या के काजे खड़ो ही रहूँगो, अब वाली मैं गैया न ले गो तो कोई, मैं तो नहीं रख जा रहा हूँ, आवे गो तो ले लेगो। तो ऐसे मेरे को यहाँ जमीन पर रख गए। मैंने कही कि जिस अभिमान के कारण तू मेरे साथ नहीं चल रहा है, मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि एक एक तिल तू रोज घटेगा। इसलिए गिरिराज जी यहाँ से एक एक तिल, जो तिल होता है ना उसके समान घटते हैं। यानी कि द्वापर से लेके अब तक एक एक तिल गिरिराज पर्वत घटता चला जाएगा, और जो इस समय स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, इस समय इतना स्वरूप रह चुका है इसका, जो कि काफी हाइट पे था, ये काफी दायरे में फैला हुआ गिरिराज पर्वत था, जो आज इतना रह गया है। देखो ये हनुमान जी के हाथ में गदा है, हनुमान जी की परछाई, ये हनुमान जी को हाथ, ये उनको गदा, ये इनको मुख, मुकुट, पेट, पीठ, घुटनों, ये इनकी पूंछें, ऐसे उड़ते हुए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम सुरभि गाय के पैर के निशान पे आएंगे। अच्छा, तो सुरभि गाय के पैर के निशान भी दर्शन कराएंगे आपको। ये देख सकते हैं किस तरह से यह भक्त लोग अपना आनंद लेते हैं, और ये देखिए ये यहाँ पे सुरभि गाय के पैर को निशान है। ये सुरभि गाय, ये आप देख सकते हैं सुरभि गाय के पैर के निशान है, और देखिए कितना साक्ष्य है ये उस सुरभि गाय के, जो खुर होते हैं जो पैर का निशान आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अलावा प्रभु जी बालकृष्ण प्रभु के चरण को निशान, जब ठाकुर जी छोटी अवस्था के थे तो यहाँ पे गिरिराज जी के ऊपर गैया चलाने आते, तो उस समय को ये पैर को निशान है। जब शाम हो जाती तो गैया इधर उधर हो जाती, तो ठाकुर जी गैयाओं को बुलाने के लिए डेढ़ पेड़ पे खड़े होकर बंसी बजाते, तो यहाँ जगह ठाकुर जी के ये चरण को निशान बना हुआ है। आ जाओ, आप ये कह रहे होंगे कि छोटो चरण क्यों है, ठाकुर जी ने 7 साल के ने गिरिराज जी की पूजा करी और 7 साल के बाद में गिरिराज जी के ऊपर भी चढ़े ना, बाकी बाद में वे 7 साल के नहीं वहाँ पहुँच गए मथुरा मामा कंस के पास में, मामा कंस को उद्धार करो, फिर बाकी बाद में 11 साल के द्वारका पहुँच गए। तो यहाँ पे जो भी लीलाएं वो सब बाल स्वरूप में है, 5 या 7 साल के इनकी।
ये सुरभि गाय के बछड़े के पैर को निशान है, जो जिस गाय के बछड़े को उठा के ठाकुर जी खुद दूध पीते हैं ना, वो आपने चित्र देखो, वो उस बछड़े के पैर को वो निशान है। धार भी बता मैं ना सुरभि गाय की। ये दूध दही माखन कटोरी है। ये गोपेश्वर महादेव है, इन्होंने गोपी के रूप में महाराष्ट्र के दर्शन किए। अरे वाह। तो गिरिराज जी के रूप में एक ही अकलौती शिवलिंग है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे श्री गोपेश्वर महादेव, जो आप ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं ना, ये शेषनाग भगवान है। तो अब हम कहाँ चल रहे हैं प्रभु? अब हम चल रहे हैं इंद्र सुरभि गाय के बछड़े के पैर को निशान हो गए, और गड्डी चलते हुए हम राधा रानी के चरण के निशान पे आ रहे हैं। अच्छा, श्री जी की तरफ। ये यहाँ पे श्री जी के चरण को निशान है। बहुत सुंदर। ये देखिए श्री राधा रानी के चरण के निशान आप देख सकते हैं, और कितना आनंदमय ये स्थान है। और ये हमारे श्री जी के बिल्कुल उसी बाल्य, ये ठाकुर जी के कान को निशान है। ये यहाँ की ऐसी मान्यता है, जो कोई भी इसमें मन ही मन में मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। जब मनोकामना पूरी होती है तो यहाँ ये सामने लकलुक दाऊ जी महाराज का मंदिर है, उसमें भांग और खीर का भोग लगे। अरे वाह। हाणा में, समझ रहे हो, ये बारिश के निशान है। इंद्र ने जब 7 दिन 7 रात मूसलाधार बारिश की, तो ये उसके निशान बने हुए हैं, जिसमें जैसे बूंदे होती है ना, बूंदे जैसे छीट टाइप में। ये देखिए, ये तो छीट टाइप में आप देख सकते हैं, जगह 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 जगह, ये वही जगह है जैसे बूंद पड़े हुए हिसाब से। देखो, आप ये कह रहे होंगे कि ये इसी स्थान पे क्यों है, और नीचे इधर में क्यों नहीं है, उधर में क्यों नहीं है। हाँ। ये सबसे उछला शिखर था उस समय का। अच्छा। और बलदाऊ भैया ने शेषनाग के रूप में मेड़ लगा ली थी, जैसे खेतों में मेड़ नहीं होती है जिससे पानी दूसरे खेत में ना जाए, उसी प्रकार से बलदाऊ भैया ने शेषनाग को अवतार लेके रूप लेके, क्योंकि शेषनाग के तो वे है ही है रूप में, तो उन्होंने लेके और मेड़ लगा ली है। और जितना भी जल आया हो ना गिरिराज जी के ऊपर, बात सब पीते हुए जा रहे हैं। अच्छा। और जब जल भरो होगा तो जल के ऊपर तो बूंद पड़ेंगी, तो वहाँ पे तो निशान बनेगा ही ना। और जो शेष स्थान है, तो जो चलो से करो वापस जल ना पहुँच पा रहो, तो वही जगह या के निशान बन गए। कह मैं ना, 7 दिवस वही वर्षा भारी, थके मेघ भारी जलधारी, एक उमूदना नीचे आई, कृष्ण चंद्र ने नख पे धारो, नमो नमो ब्रज के रखवालो। अब एक चीज बताओ, जब बरसात भई तो एक बूंद नीचे क्यों नहीं आई? गिरिराज जी कितना बड़ो, 4 योजन बहुत है जाए, 4 योजन में अब लगा लो ब्रज 84 कोस को टुकड़ा आई, या मैं एक बूंद नीचे ना गिरी तो कितने लंबा हो। छोड़ो, ये बलदाऊ जी को हाथ है, ये बलदाऊ भैया को हाथ है, ये बलदाऊ जी को हाथ है, ये अंगुष्ठा, ये तर्दनी मध्यमा अनामिका, और ये कनिष्ठा, ये करतल पृष्ठ। यानी बहुत भारी टाइप में। ये सुरभि गाय के दूध की धारा के निशान है। अरे वाह। इंद्रदेव अपने साथ में 3 चीज लेके आए, सुरभि गाय, ऐरावत हाथी, और श्याम बारल घोड़ा उच्चेस्वा। अच्छा अच्छा। तो आप देख सकते हैं, जो कि सुरभि गाय के जो धार थी ना दूध की, देखिए ये इंद्र लेके आया है। और इस पर्वत पे अपने आप में बड़ा अटपटा देख सकते हैं आप, बिल्कुल वास्तव में वो ही साक्षी है। और दूध की धार के टाइप में ये आप देख सकते हैं, वहीं से ये देखिए। तो सुरभि गाय और ऐरावत हाथी और श्याम मरण घोड़ा ये 3 चीज लेके आए हुए हैं। आओ, ये इंद्र दमन, देव दमन और नाग दमन है। इन तीनों का ठाकुर जी ने मान मर्दन किया,
तो इनको यहाँ पे माफी इसला बोला है। अच्छा। हाँ, जो हम गिरिराज जी के ऊपर चढ़ के जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे माफी मांगते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलती बनी हो तो आप हमें क्षमा करना, क्योंकि जिसको तीनों लोकों का नाथ यानी कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान जो स्वयं पूज रहा है जिसको, हम उसके ऊपर पैर रख रहे हैं, तो इसलिए अपराध बनता है, तो अपराध की क्षमा मांगी जाती है। इसलिए देखो, देव दमन ब्रह्मा जी को ये घमंड हुआ कि जो ब्रजवासियों का यानी इन बच्चों का झूठा खा रहा है, वो क्या इष्ट हो सकता है गौचारण लीला में? हाँ, तो उनका भी मोह दूर किया ठाकुर जी ने। इंद्रदेव, इंद्रदेव को आपको मालूम ही है, ये कालिया नाग है। अच्छा। कालिया नाग का भी आपको मालूम है, यमुना में विष्णु, जो घमंड के लोग थे वो। हाँ, ये उच्चस्वा घोड़े के पैर को निशान है ये वाला, जो श्याम वर्ण में नीले कलर का था इंद्र के पास में, क्योंकि ठाकुर जी को उसने देखा कि ठाकुर जी को ब्रजवासी मिष्ठान और पशु पक्षियों से ज़्यादा प्रेम है, तो इसलिए वो साथ में तीन चीज़ लेके आए। और ये वो स्थान है जैसे कि ठाकुर जी ने पहले गिरिराज पर्वत टेको है ना, तो टेकत खेमे ही ठाकुर जी को पहले तो खाने को लाए, क्योंकि ठाकुर जी एक दिन में 7 बार भोजन प्रसाद, 8 बार भोजन प्रसाद ही करते, इसीलिए बल्लभ कुल में अष्टयाम सेवा होती है, 8 बार आरती होती, देखी होगी आपने कई मंदिरों में जो बल्लभ कुल के हैं, तो ठाकुर जी एक दिन में 8 बार खाते, तो 7 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया, तो 8 × 7 = 56, इसलिए इस स्थान पर 56 भोग लगते हैं इस स्थान पर। हाँ, ये गिरिराज पर्वत के ऊपर आप देखिए, ये इंद्रमान भंग पूजा स्थल है, जिसके इंद्र का मान जो भंग हुआ है उसके बाद में जो कृष्ण भगवान ने जो पूजा करवाई है वो यहाँ पे करवाई है, जो इंद्र ने पूजा की है। अगड्डी गिरिराज मुखारविंद पड़ता है जतिपुरा, वहाँ पे ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को उठाया था, और फिर उससे आगे पड़ता है दंडवती शिला, जिस स्थान से इंद्र ने सबसे पहले जो गिरिराज जी की दंडवती लगी है वो इंद्र ने ही दी है इस, और वो महाप्रभु जी का तेज पुण्य द्वार भी है उस जगह, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी उस शिला में होकर लीन हुए थे। ऐरावत हाथी के निशान, ऐरावत हाथी नीचे। अच्छा, ये ऐरावत हाथी के पैर को निशान है, ये देखिए, ये आपके ऐरावत हाथी का निशान, पैर का निशान आप देख सकते हैं, पूरा साथ ही है, और ये देखिए कितने विशाल का है ये, तो उस समय तो वो हाथी का काफी विशाल हाथी था वो इंद्र वाला। बताओ प्रभु, ये ऐरावत हाथी के पैर को निशान है, वो विशाल काय था, सफ़ेद कलर का था, और उसके 7 सूढ़ें थी। अच्छा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गिरिराज जी को श्राप लगा हुआ है, उस कारण से ये छोटा 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 तिल तिल मात्र होते हुए ये जा रहे हैं। गिरिराज जी का स्वरूप पहले हमारे बड़े बूढ़े बताते थे, उन्होंने देखा है, 2-3 पीढ़ी पूर्व की बात बता रहा हूँ, इनकी छाया मथुरा वृंदावन तक जाती थी। तो अब देख लो, आप अपने सामने देख लो, ज़्यादा नहीं, उन्होंने जो जैसे बताया हम वैसे ही बता रहे हैं, इनकी परछाई अब लगा लो, मथुरा और वृंदावन तक जब परछाई जा रही है, तो इनकी ऊंचाई का कितने हाइट का गिरिराज जी था उस समय, तो आज ये तिल तिल घट रहा है। ये इंद्रमान पूजा भंग स्थल है, जिसके इंद्र का मान भंग हुआ है, उसके बाद में जो ठाकुर जी को जो भोग लगाया है, 56 भोग जो इंद्र ने लगाया है वो इसी स्थान पर लगाया है। चलिए आइए, आपको आ जाओ, आप दर्शन करो। ये स्वरूप है जिस जगह ठाकुर जी ने 56 भोग अरोगा है, यहाँ पे ठाकुर जी ने गाय को मुख रख के भोजन अरोगा, देखो ये गाय के दोनों कलड़े हैं, ये ऊपर ये सिंह, ये इनको मुख, तो यहाँ पे ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा है। आओ परकम्मा लगा लो, ऐसे कहते हैं इनकी 7 परकम्मा लगाने से 1 परकम्मा को फल प्राप्त हुए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। जैसे कि हमारा कौशिक भैया ने कितने सुंदरता से हमें दर्शन कराए इस ब्रज के प्रमाण यानी ठाकुर जी का प्रमाण, जो श्री गिरिराज पर्वत है, और उसके इतने साक्षियों के दर्शन कराए, भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यहाँ पर ही सेवाएत हैं, यहीं पर रहते हैं भैया हमारे, आप जब भी कभी गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हों तो आप इनको याद कर सकते हैं, ये इस स्थान पर रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हमने और आपने जो दर्शन किए वो एक अद्भुत
स्थानों के दर्शन किए जो कि प्रमाण करता है हमारे ये भगवान का कि यहाँ पर वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ रहते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा श्री गिरिराज पर्वत से, आप हमें कमेंट के रूप में और हमारे चैनल को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। तो श्री गिरिराज जी की इस तलेटी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।